अगर आपके बाल झड़ रहे हैं आपको लगता है कि आपकी जो जनरल एनर्जी है आप जब सुबह उठते हैं आपको लगता है यार यू नो उठते ही आप ऐसे आपको थकावट महसूस होती है काफ़ी सारे लोग होते हैं इनको लगता है उनकी सेक्शुअल एनर्जी जितनी ज़्यादा होनी चाहिए उतनी है नहीं आ, सिंपल सी बात है आपके जो स्किन हेयर स्टैमिना एनर्जी लेवल्स हैं इन सब का एक बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप है आपकी डाइट के साथ नमस्ते मेरा नाम है पारस तोमर अगर आप मुझे जानते हैं तो ऑसम awesome, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं आई एम द फाउंडर ऑफ दो कंपनीज न उसके पास पारस इंडिया की आयुर्वेदिक स्किन केयर ब्रांड और स्टार मफिन इंडिया की एक न्यूट्रिशन लेबल uh, मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें ऐसे बताना चाहता हूँ और uh, जिसके बारे में आप आई थिंक शायद नहीं जानते होंगे बिकॉज काफ़ी लोगों को इस बारे में इनफॉमेशन नहीं होती द थिंग अबाउट द डायट हम जो खाना खाते हैं रोज हम जो सब्जी दाल चावल ही खाते हैं उसको जितना पका देते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मर जाती है ना ऑनेस्टली हमारा ध्यान अब इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन में होता है कि जो मल्टीवाइटमिन बी सिक्स है बी ट्वेल्व है, है जिंक है इन चीज़ों पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता अक्सर जो लोगों को इश्यूज होते हैं लिवर इश्यूज होते हैं किडनी इश्यूज होते हैं बोन इश्यूज होते हैं जोड़ों में दर्द होता है इन सब का एक्चुअल जो मूल कारण है वो ये है कि आपकी जो डाइट है उसमें आप दाल चावल रोटी सब्जी तो खा रहे हैं तो आपको बेसिक जो न्यूट्रिशन है वो मिल रहा है उन्हें मैक्रोज कहते हैं बट जो एक्चुअल मल्टी वाइटमिन आपका इनटेक है वो बहुत कम हो जाता है ना दैट इज़ वाई लॉर ऑफ दू आर फेसिंग नीड टू बी फिक्स एस एप अक्सर आप में से काफ़ी लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि हम ऐसे क्या खा सकते हैं काफ़ी लोग बहुत सारी टैबलेट्स लेते हैं बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं वाइटमिन डी के लिए कोई कैल्सरॉल ले लेता है बालों के लिए कोई बायोटिन ले लेता है आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी जनरल एलर्जी लेवल्स बहुत कम होने लग गए तो यू नो यू टेकिंग समर सप्लीमेंट जिससे आप शीलाजीत अशोक ऐसी ऐसी चीज़ें ले जाते हैं मेरी टीम और मैंने काफ़ी टाइम से बहुत सारी मेहनत की थी मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ इस वीडियो में इस वीडियो में बहुत सारी है पर साथ में मैं आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बता रहा हूँ इफ यू इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट वो भी देख लीजिएगा अगर आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदना दैट्स फाइन बट यू स्ल है लॉट ऑफ इन दिस वीडियो आई थिंक जो आपको काफ़ी कुछ सिखाएगी और राइट आई वॉन्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग विच इज जिंक जिंक एक ऐसा मिनरल uh, है जो आपके डाइट में जब होता है इट डज अ लॉट ऑफ इनक्रेडिबल थिंग्स टू विटामिन बी और जिंक दो ऐसी चीज़ें खासकर uh, जो इस समय पे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वाइटामिन सी के बारे में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सुना है इनफैक्ट वाइटामिन सी के साथ तो लोजा हो गया बिकॉज लोग इतने ज्यादा ऑप्सेस हो गए वाइटमिन सी से कि इतना ज्यादा उनका ओवर यू नो द ओवर डोज ऑफ वाइटामिन सी हैविंग बिकॉज सबने रियलाइज किया कि कोरोना के समय पे उनको वाइटमिन सी चाहिए बट द गुड न्यूज इज इवन इफ यू ओवर डोज बिट ऑफ वाइटमिन सी बहुत समय के लिए उसके बाद शायद कुछ हो सकता है बिकॉज कोई भी मल्टीवाइटमिन का अगेन दर इज अ फंडा यू कांट ओवर डोज ऑन मल्टीवाइटम उसको कहते हैं आर डी ए यानी कि रिक्वायर्ड डेली अलाउंस या आर डी आई रिक्वायर्ड डेली इनटेक

इसको आप जब लेना शुरू करते हैं आपको सात और आठ दिनों में आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा फुर्ती दिखेगी इसमें बिकॉज बायोटिन है जो राइट मात्रा में है आपका अगर हेयर लॉस है वो कम होने लग जाएगा एंड इसमें एक्चुअली ऐसी चीजें हैं फॉर एग्जाम्पल मेरा जो दूसरा प्रोडक्ट है फिन डॉट कॉम पर अवेलेबल है इज़ वायरस का टेस्ट हो स्ट्रॉन्ग आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है उससे क्या होता है कि आपको एक दो दिन में आपकी एनर्जी लेवल्स अलग लगने जाती है जब आप मल्टी वाइटामिन खाएंगे और right, आपको दिखाना चाहता हूँ इससे आपको सात आठ दिन में लगेगा आपको जो ऐसे थकान लेजीनेस हमेशा होती है जो अक्सर लोगों को होती है वो आपकी निकल में लग जाएगी तो पहले मैं आपको इसकी डोजेज बता देता हूँ उसके बाद मैं लुक्स इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लैक टैबलेट दैट्स आवर लुक्स तो आपको दिन में अगर आपका लाइफ बहुत ही ज्यादा एक्टिव है आपको एक एक मील के साथ ऐसी दो टैबलेट्स खानी है अगर आपका मॉडरेट uh, लाइफ है आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है आप इसको दिन में एक खा सकते हो बेसिकली ये आपको, very, very आपको इसको लास्ट यू वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आपको उसको खाने लग जाओगे इन अबाउट सेवन और एट डेज आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएंगे सवाल यह है बढ़ेंगे कैसे एंड आई वोट ऑल ऑफ दट इन डिटेल में आपको ले ब्रेक दिस डाउन फॉर यू प्रॉपरली इन टेल्यू बट इच वाइट एंड वॉट इटली डज फॉर यू अगेन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन तो है पर इसके साथ जो जनरल इन्फॉर्मेशन है आई रियली होप उसको भी यू पे अटेंशन टू दर राइट गिव यूर डिटेल इन्फॉर्मेशन सबसे पहली बात ये टैबलेट ऐसी दिखती है दिस इज अटमिक्स मल्टी वाइटमिन ब्रेन मसल बिल्डिंग बोन हेल्थ मेटेबुलज्म एंटी ऑक्सीडेंट्स इन सबके लिए दिस इज द न्यूट्रिशन लेबल जो मैं आपको अच्छे से ऑब्सली नहीं दिखा सकता परॉम पर है जिस लोग कर वाइटमिन सी बी थ्री बी सिक्स बी टू बी वन और ऑल द वाइटमिन ओके उसके बाद हमारे जो एसेंशियल मिनरल्स हैं कैल्सियम मैग्नीजियम जिंक आयन सीडीयम सब कुछ है इसमें वी ऑल्सो ऑब्वियसली पोट द टू बिग थिंग्स जो कि एल कॉनटीन और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है ये आपके फैट बर्न में बहुत ज़्यादा मदद करेगी स्पेशली ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और एल विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जोरो की प्रोफाइल है सारी चीजें इसमें है दिस कॉम्पोजिशन है सो मच टाइम टू मेक कॉलिन ओकेीन इज सो 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 इम्पोर्टेंट फॉर योर पेपन जो बेसिकली पपीते में होता है पेपिन इज सो गुड फॉर योर स्किन फॉर पिगमेंटेशन ये ऐसा एक न्यूट्रिशनल ब्लेंड है जो हमने बनाया ही इसी हिसाब से कि आपको बेसिकली इस एक कैप्सूल में सब कुछ मिल जाए अब एक दूसरी आदत होती तो काफी लोग होती है कि पूरे दिन वो गोलियां खा रहे हैं राइट नॉ देट बिकम्स ए हैबिटिफॉर्मिंग थिंग वी मेड शो कि आप बेसिकली दिन में सिर्फ एक गोली खाएँ या दो गोली खाएं मैक्सिमम अपने एक्टिविटी लेवल के हिसाब से एंड दैट्स मच इट राइट दैट्स एवरीथिंग पेपिन एक ऐसी चीज होती है जो लोगों को जब पिगमेंटेशन होता है पपीता हम फेस पर क्यों रगड़ते हैं बिकॉज वो पिगमेंटेशन के लिए पेपिन जो पपाया में होता है बहुत ज्यादा हेल्प करता है नाटली डांस बीस गुड पेपिन इन दिस आपके जो डाइजेशन होता है जिसमें बहुत लोग को इतनी गड़बड़ होती है अगर आपका जब पेट खराब है आपकी स्किन ख़राब है आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा है जब आपका पेट खराब है आप जितनी चीज़ें खाते हो आपको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता सपोजिंग मैंने खाया है सौ ग्राम पनीर हो राइट, उसमें जो प्रोटीन की कॉन्टेंट है अठारह बीस ग्राम नॉर्मली होती है आपका जब डाइजेशन अच्छा नहीं है अगर आप ब्लैक्टोस इंटॉलरेंट हो चुके हो फॉर एग्ज़ाम्पल जो उसमें एक्चुअल न्यूट्रिशन है जो आप खा रहे हो आपको पूरा मिलता नहीं बिकॉज जो बॉडी आपकी जो ऑब्जॉर्ब्शन की क्षमता होती है वो कम हो जाती है वो कम क्यों होती है बिकॉज आपकी बॉडी में जो जो मिनरल्स होने चाहिए और वाइटमिन होने चाहिए वो होते नहीं है तीन चीज़ें मैक्रोज इज कार्बोहाइड्रेट्स फैट एंड प्रोटीन वाइटमिन इज थिंग्स लाइक बी सिक्स बी ट्वेल्व ऑल ऑफ दीज वाइटमिन के वाइटमिन एच और फिर होते हैं मिनरल्स और राइट जो वाइटाम फिर भी हम समझ जाते हैं जो मिनरल्स हैं यानी कि जिंक फॉस्फोरस कैल्शियम ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में अक्सर हम बात नहीं करते सबसे पहले आपको जो महसूस होगा वो एनर्जी लेवल महसूस होगा आपके बाल बाल ठीक होने लग जाएगा आपका डायजेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा एंड इस समय पर वट दिस इज गुन बेसिकली डू फॉर यू इज इट्स गुन गिव यू अलॉट मोर फुर्तीला यू नीड टू टेक केयर फ्यूफ जो फैट लॉस के लिए होता है नॉ दिस इज नॉट अ फैट लॉस सप्लीमेंट दिस इज नॉट अ बर्नर ऑल राइट तुम्हें ये नहीं चाहता आप इस बात से कंफ्यूज हो जाएं पर ये तरह में आपने जो मल्टी वाइटमिन है इसमें जो एल कान्टीन है और इसमें जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है वो ऐसी दो चीजें हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगी आपका मेटाबॉलिक रेट जो जनरली होता है उसका मतलब यह होता है कि आप ज्यादा एनर्जी स्पेंड करते हैं सिंपल बात है आपके बॉडी में जितनी ज्यादा मसल होती है आप उतनी ज्यादा एनर्जी बर्न करते हो राइट सिंपल व्हेन यू कॉट मोर मसल मैस जनरल कैलोरी बर्न इज लॉट हायर एल कानीन एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट दो ऐसी चीजें जो आपके मेटाबॉलिक रेट को ऑप्टिमम लेवल पर फंक्शन करने देंगे उसका मतलब यह है कि आप कॉन्स्टेंटली बॉडीज बिकमिंग का फैट बर्निंग मशीन हमने इसमें बायोटिन खासकर we sort of sure like रीजन यही था दैट वी वॉन्ट टू मेक शो बिकॉज आपने इससे सबसे ज्यादा क्वेरी जो मेरे पास आ रही थी वो एक्चुअली आ रही थी स्किन केयर और हेल्थ केयर और हेयर केयर के लिए उसके बाद आ रहे यू नो दैट हमारी एक ब्यूटी ब्रांड है और एक न्यूट्रिशन ब्रांड है दिस एक्चुअली कंबाइन्स द टू ऑफ दम और राइट आई वॉन्ट टू टेल्यू बैठ सम वेरी स्पेसिफिक थिंग्स जो ऐसे मिनरल्स हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे एंड आई वॉन्ट टू टेलू बात दट इन डिटेल पहले आई वॉन्ट पेंटोथेनिक एसड जो कि वाइटामिन बी फाइव में होता है डायजेशन और लॉड जैसे मैंने आपको बतायाब्बजॉर्बिंग होती है वो हो गया बी फाइव जो इसमें ऑब्वियसली है बी थ्री हो गया आपकी एंटी एजिंग के लिए आपके स्किन के लिए फॉर योर बॉडी टू फंक्शन ऑफ दी जो विटामिन ई e होता है वो आपकी जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन एन केस हम विटामिन ई e की कैप्सूल्स अपने स्किन पे क्यों लगाते हैं बिकॉज इट मैसिवली हेल्प्स योर स्किन एक्चुअली गेट दिस रेडियंट ग्लो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अच्छा अब बात करते हैं तो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ों की विच आर वेरी वेरी गुड फोर हेल्थ एक हो गया कैल्शियम कैल्शियम आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हार्ट हेल्थ के जो दिल का हेल्थ है उसमें भी थोड़ा सा रोल प्ले करता है जो वाइटामिन डी है जो हमें बहुत कम मिलता है वाइट डी नॉर्मली अब आप लोग सोचते हैं कि अब सनलाइट में बैठ जाएंगे तो उससे कुछ हो जाएगा बट आपकी बॉडी उतनी डी एब्जॉर्ब नहीं करेगी जो आपकी बोन हेल्थ के लिए वो बहुत ही आ, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है स्पेशली फॉर पीपल हु आर यू नो इन द लेटर एज ग्रुप आई ऑलवेज पीपल आई डोंट नो वाई इंडिया में लोग मल्टी वाइटमेंट नहीं लेते मेरे को समझ में नहीं आ सकती क्यों वन यू गो वन यू ट्रैवल टू मोस्ट अदर प्लेस और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेस्टर्न कल्चर इज बेटर बिकॉज आई ऑलवेज थिंक इंडियन कल्चर इज मच बेटर बट इस एक चीज के बारे में आई फील लाइक मल्टीवाइटमेंट्स के बारे में हमारा जो इन्फॉर्मेशन uh, लेवल है वो बहुत ही ज्यादा लो है नाई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू अंडरस्टैंड आपको मल्टीवाइटमेंट क्यों चाहिए ना टेक मैगनीजियम फॉर इंस्टेंस ओके आपका जो कॉन्स्टिपेशन होता है एक्चुअली सल्फेक्स लाइक अ लैक्सेटिव जिसका मतलब आपको जो, जो आप यू नो बाथरूम जाओगे स्टमक इी नॉ क्लीन हो अच्छा ये जो ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट है और जो गार्लिक एक्ट्रैक्ट है ये दो ऐसी चीज है जो की इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करती है दिस इज वॉट दिल लुक्स लाइक आई नो यूफी आप अगर अठारह साल से ज्यादा की उम्र के च इज वेरी वेरी गुड बट आई वॉट टेल यू अबाउट दीज टू थिंग्स विच इज गार्लिक एंड ब्लैक पेपर अब जो ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट होता है बेसिकली मैंने काफी वीडियोज बनाए हैं कोक्यूमिन और पिपरीन पर क्यूमिन पिपरीन का मतलब क्या है हल्दी में पिपरीन होता है काली मिर्ची में हल्दी के जितने बेनिफिट्स हैं उसको जो पिपरीन मिलता है यानी कि ब्लैक पेपर मिलता है उससे उसकी एब्जॉर््पन बेटर होती है इससे अगर आप जब हल्दी का दूध पीते हैं या हल्दी का पानी पीते हैं शाम को उसमें अगर आप थोड़ी सी काली मिर्ची डालें और ये जनरली भी लाइफ में कीजिए आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉग हो जाएगी बिकॉज़ अगर आपकी काली मिर्च नहीं डाली उसमें आपकी बॉडी की एब्जॉर्प्शन हल्दी की इतनी ज्यादा नहीं होती जो बेसिकली जो ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट है जिसमें पिपरीन होता है दैट्स वेरी 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 गुड फॉर योर हेल्थ इट्स गुड फॉर इम्यूनिटी जो गार्लिक होता है लसन के तो हम बेनिफिट्स जानते हैं लसन इज़ इज हीलिंग इट्स गुड फॉर योर गट Uh, आपके एंटी ऑक्सीडेवेंट्स को एंटी uh, ऑक्सीडेंट लेवल्स को बढ़ाता है इट्स जनरली गुड फिकर हेल्थ राइट इसमें जो कॉम्पोजिशन हमने बनाया है और बहुत मेहनत के साथ बहुत प्यार से बनाए बेसिकली हमने एक ऐसा कॉम्पोजिशन बनाया है जिससे आप जब इसको लोगे दिन में कोई भी मल्टीवाइटामिन मेरा नहीं कोई और भी डोंट टेक दिस थ्रू द होल ईयर आप कोई भी मल्टीवाइटामिन जब लेने लग जाते हो और आपकी बॉडी एक चीज़ से यूज्ड तो हो जाती है यू विल नॉट हैव द सेम रिएक्शन आप इसको एक महीने के लो मैक्सिमम दो बॉटल्स ले लेना जो दो महीने के चल जाएंगे एंड देन टेक अ ब्रेक ओके कोई और मल्टी ले लो बिकॉज ये कॉम्पोजिशन आपकी बॉडी को आ, आप यूज्ड हो जाओगे बहुत कम लोग आपको ये बात बताएंगे बिकॉज दे यू टू की बाइंग अ प्रोडक्ट द होल टाइम मैं नहीं चाहता बिकॉज आप जो दो महीने लोग को आपको बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे तीसरे महीने में आपको लगेगी अब मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं क्योंकि आपकी बॉडी उसको यूज होगी दें टेक अरेक एक महीने चिल कर लो डेढ़ महीने चिल कर लो थोड़ा ब्रेक ले लो कोई और मल्टीवाइटमिन ले, ले लो नहीं लेनी तो मत लो बट मेक श्योर यू डोंट लेट योर बॉडी गेट यूज टू दिस मिनट एंड लाइक फुल प्यारस का, पारस का फिर। मैं अपने ही नाम बोल बोल रहा हूँ प्यारस oh, प्यारस इज नाइस nice. पारस दैट यू गिव योर बॉडी दैट एट समू शुड गेट टू यूज टू तो टेक द अब्जॉर्बन जैसे सेम चीज उसके टेस्टो स्ट्रॉन्ग है मैंने सबको बहुत क्लियरली बोला आई नो यू लव दैट टैबलेट बट आप उसको महीने का जब एक बॉटल आपने खत्म कर ली प्लीज टेक अ ब्रेक काफी लोग उसके तीन तीन चार चार बॉटल्स ऑर्डर करते हैं है, तो आप उसको स्टॉक इन कर रहे हो ठीक है पर टेस्टोस्ट्रॉ मेरा जो उसके इसका है सॉरी आई गॉट द बॉटल में दिखा देता उसको आप प्लीज एक साथ एक महीने के साथ ज्यादा मत लीजिए डू इट फॉर फोर वीक्स एंड टेक अ ब्रेक तो अगर आप टेस्ट स्ट्रॉन्ग को खाएंगे आप टेस्टोट्रॉन्ग के एक्चुअली मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ सॉरी दिस वीडियो को जब मल्टी वाइटमिन पर उसके बाद में बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं लॉर्ड पीपल बास उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं पहले बार बताए तो मल्टीवाइटामिन बता तो, लेने के साइड इफेक्ट्स नहीं इट्स गुड फॉर यू आप खुद भी रिसर्च कीजिएगा पढ़िएगा इसमें जितनी शन है वो सिर्फ आपके आर डी ए के हिसाब से यानी कि रिक्वायर्ड डेली नाउ लेट्स गो बैक टू द लेट्सोस्ट्रॉन्ग आई वॉन्ट टू मैक्सिमम हैव है उसके बाद इसका टेस्टोस्ट्रॉ फॉर वन मंथ नॉट मोर देन दट एंड यू कैन टेक अ ब्रेक उसके बाद हम जो दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करें विच ऑज कॉल न्यूज पेपर टेस्टो स्ट्रॉगर विच एम वेरी एक्साइटेड बट वफे आ जाएगा एंड द थिंग अब दैट इज दैट्स अ डिफरेंट ब्लेंड हमने भी दो प्रोडक्ट इसलिए बनाए हैं उसी रेंज में जिससे कि आपकी बॉडी यूज तो ना हो पाए दैर इज अ रीजन वेर ऑल डूइंग आई रियली होप दिस हेल्प्स यू दिस ये काफी लोग कल खरीदना चाहते थे काफी लोगों ने खरीद भी लिया मैं वीडियो इतना लंबा इसलिए बनाया बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू यू वो दिस रिल डज ओके आई एम वेरी प्राउड हमने जब नुस्के व्यापार शुरू किया था दट वज स्किन केयर ब्रांड वी गॉडनेशन वी वर्क विद ऑल ऑफ दीज बायोकमेटोजिस्ट वी वर्क विद दिस रिसर्च टीम नाओ जो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है टू कंबाइन आयुर्वेद टू कंबाइन वेस्टर्न मेडिसिन टू गि गुड हेल्थ दिस इज गोइंग भी वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट मल्टीवाइटमिन वेरी वेरी सोन बिकॉज ये जो ब्लेंड हमने बनाया है इन क्रेडिडल ब्लेंड एज गोज विदाउट सीइंग मतलब एक्चुअली काफी कम लोग मुझसे पूछते हैं बिकॉज ये ऑब्वियसली बात है काफी लोग बोलते हैं क्या ये सर्टिफाइड है येस yes, हम कोई भी प्रोडक्ट बेच नहीं सकते विदाउट सर्टिफिकेशन सो यू टू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स आर सर्टिफाइड यू गो ऑन द वेबसाइट यू सी ऑल द सर्टिकेशन बिकॉज लीगली यू कैन डू एनी इन दिस आर ऑब्वियसली लैब टेस्टेड जब मेरे लोग वैसे क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा लगता है कि आई होप यू अंडरस्टैंड ई कॉमर्स वर्ग्स आप कुछ भी बेच नहीं सकते आई होप दिस इज आस समस् अगर कोई और क्वेश्चन है सवाल है मुझे आप कॉमेंट्स में पूछ लीजिए रिस्पॉन्न य अवेलेबल माफन डॉट कॉम पर आई वॉन्ट टू बेल्थी आई वॉन्ट टू भी हैपी छोटी छोटी चीजें जो आप डेली कर रहे हैं इट विल मेक योर हेल्थ फंड क्योंकि वही सच बात है अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है आप पूरी जिंदगी को इंजॉय कर सकते हैं आई रियलीप दिस वेड हेल्प यू सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना यूट्यूब uh, पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो तो आपने शायद किया ही होगा इसलिए देख रहे हैं एंड या आई होप दिसमस्टे एंड बिग पुची मोर मेरे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं स्टार्ट मफिन डॉट कॉम पर